हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्वाध्याय। पाठ क्रमांक 6 पृथ्वी से अग्नि तक, सातवीं हिंदी, इस सब्जेक्ट का लेकर। इसमें हम स्वयं अध्ययन देखेंगे। किसी महान विभूति का जीवन क्रम वर्षानुसार बनाकर लाओ और पढ़ो, जैसे जन्म, शालेय शिक्षा आदि। तो देखो, यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, उनका जन्म, शालेय शिक्षा आदि के बारे में हम लिखेंगे। अब्दुल कलाम का जन्म तमिलनाडु राज्य में रामेश्वरम जिले के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम में पूरी की। सेंट जोसेफ कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1962 में वे अंतरिक्ष विभाग से जुड़ गए। 1980 में पूर्ण रूप से भारत में निर्मित उपग्रह रोहिणी का प्रक्षेपण किया, जो सफल रहा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए उनको भारत रत्न सम्मान भी प्राप्त हुआ है। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 में हुई। खोजबीन, अंतरजाल से पद्म भूषण से विभूषित विभूतियों की जानकारी का संकलन करके सुनाओ। तो यहाँ है पद्म भूषण से विभूषित विभूतियां, ये 2014 की है। सो फर्स्ट देखो, श्री कलम हसन कला तमिलनाडु। दूसरा है जस्टिस दलबीर भंडारी लोक कार्य दिल्ली। प्रोफेसर गुलाम मोहम्मद शेख कला गुजरात। श्री टी ए विनायक राम कला तमिलनाडु। बेगम परवीन सुल्तान कला महाराष्ट्र। डॉक्टर राधाकृष्ण कोपिलील विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कर्नाटक। डॉक्टर विनोद प्रकाश शर्मा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग दिल्ली। डॉक्टर थिरुमलाचारी रामासामी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग दिल्ली। प्रोफेसर ज्येष्ठराज जोशी विज्ञान एवं इंजीनियरिंग महाराष्ट्र। पद्मनाभन बलराम विज्ञान एवं इंजीनियरिंग कर्नाटक। जरा सोचो, चर्चा करो, यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं तो। उत्तर है, मेरी भी वह ख्वाहिश बचपन से रही है कि मैं ब्रह्मांड में उपस्थित अनंत तारा को नजीक से देखूं, वह ग्रह उपग्रह की सैर करूं। लेकिन यह संभव है यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं। अंतरिक्ष यात्री बनने के पश्चात मैं सर्वप्रथम चांद की सैर करूंगा, जिसकी छटा धरती से इतनी मनोहर है कि निकट से कितनी अद्भुत, मैं तो सोचकर ही उत्साहित हो जाती हूँ। तारों से इस सजे इस ब्रह्मांड को देखने का सौभाग्य प्राप्त होना कुछ ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरा जीवन सार्थक है। मेरी कलम से दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखो। ये मुद्दे दिए गए हैं, इनके आधार पर कहानी है। देखो, उत्तर, होशियारपुर बहुत ही सुंदर गांव है। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गांव में मेला लगा। मेले का प्रवेश द्वार बहुत बड़ा और बहुत सुंदर बनाया गया, परंतु सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर पड़ा था। सभी लोग उस पत्थर को देखकर आगे बढ़ रहे थे। पत्थर से टकराकर छोटे का गिरना बहुत देर से एक लड़का देख रहा था। लड़के से यह सहन नहीं हुआ कि सभी लोग उसे ठोकर खाकर तो गिर रहे हैं, परंतु उसे कोई उठाकर रखने के कार्य को अंजाम नहीं दे रहा है।
लड़का पत्थर को हटाता है, उसके नीचे उसे एक चिट्ठी मिलती है। चिट्ठी में लिखा था कि पत्थर उठाने वालों को पुरस्कार मिलेगा, यह पुरस्कार गांव का मुखिया देगा। मुखिया जी ने लड़के को पत्थर हटाते देख लिया था और वह उसकी एक काबिलियत को देखकर बहुत खुश हुए। मुखिया ने उस लड़के को 5,000 रुपयों का इनाम दिया। सीख: हमें किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। शीर्षक है मेहनत का मीठा फल। अध्ययन कौशल: अपना दैनिक नियोजन बनाओ तथा उस पर अमल करो। उत्तर है: एक विद्यार्थी के तौर पर मेरी दिनचर्या बड़ी साधारण और बंधी बंधाई है। उषा काल में उठकर स्नान के पश्चात नाश्ता कर मैं विद्यालय जाता हूँ। विद्यालय से छूटने के बाद घर वापिस आकर हाथ मुंह धोकर हल्का नाश्ता करके 1 घंटे की नींद लेता हूँ। 6 बजे उठकर फिर 1 घंटा बाहर जाता, दोस्तों के साथ खेलता हूँ। घर वापिस आकर 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ। उसके बाद परिवार सहित भोजन कर माता पिताजी के चरण स्पर्श करके सो जाता हूँ। प्रश्न 1: सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। क प्रश्न: पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए टिम्ब टिम्ब अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उत्तर है श्रीहरिकोटा। ख प्रश्न: सिर्फ 600 टिम्ब टिम्ब की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। उत्तर है सेकंड्स। प्रश्न 2 है, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। प्रश्न: भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में किसने पहुंचा दिया? उत्तर: पृथ्वी मिसाइल का सफल प्रक्षेपण हो गया। हमारे देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने एकदम से भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया। छह प्रश्न: टीम के साथ डॉक्टर कलाम जी ने कौन सा अनुभव बांटा? उत्तर: डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ एसएसवी का अनुभव बांटा। उन्होंने बताया, मेरा प्रक्षेपण यान समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। लेकिन फिर भी मुझे अपने अभियान में सफलता प्राप्त हुई। आप लोगों की मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आप 1-2 हफ्ता काम करके इसे सुधार सकते हैं। जो प्रश्न: अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा? उत्तर: अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 20 अप्रैल 1989 का दिन निर्धारित किया गया, जिस समय वैज्ञानिक T-14 पर थे। अग्नि का प्रक्षेपण होने ही वाला था कि कंप्यूटर ने संकेत दिया कि कोई एक उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है। उसे तुरंत ठीक किया गया, लेकिन इस बीच निचली रेंज केंद्र ने रुकने का संकेत दिया। अगले कुछ सेकंडों में जगह जगह रुकने की जरूरत पड़ गई। अंततः प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। जो प्रश्न: रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था? उत्तर: अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1989 का दिन निर्धारित किया गया। उससे पहली रात को सभी वैज्ञानिकों के दिमाग में एक ही सवाल था कि क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में
कल सफल होंगे। इसी समय रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम कल तुम अग्नि के सफल प्रक्षेपण का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? भाषा की ओर, दाएं पंख में उपसर्व तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। प्रतिदिन, दिन भर, इनका वाक्य है मैं प्रतिदिन खेलता हूँ, दिन भर नहीं खेलना चाहिए। ओके, अब ये नम्र शब्द का उपसर्ग क्या है? तो देखो, उपसर्ग है विनम्र, उसका वाक्य है विनम्र राजू बड़ा विनम्र लड़का है। उसका प्रत्यय है नम्रता। विनम्रता का वाक्य, हमें सभी से नम्रता से बात करनी चाहिए। डर का उपसर्ग है निडर और उसका प्रत्यय है डरपोक। सोनी निडर है, राकेश बहुत डरपोक है। अभी जल का प्रत्यय सजल और जलजर है। सजल, माँ को वर्षा बाद रूपाली की आंखें सजल हो गई। जलजर, मछली जलजर है। अभी साहस के दुस्साहस और साहसी है। पाकिस्तानी सैनिकों ने जब सीमा का उल्लंघन करने का दुस्साहस किया तब भारतीय सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। साहसी का है अभी वाक्य, सम्राट अशोक बहुत ही साहसी पुरुष थे। अभी सत्य का है, सत्य असत्य है। हमें जीवन में कभी भी असत्य का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। सत्यवान का वाक्य है, जो व्यक्ति जीवन में जितना सत्यवान होता है उसका सिर समाज में उतना ही ऊंचा रहता है। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।